हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्राइम ड्यूटी चैनल। सो गाइस, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि एग्ज़ाम के रिलेवेंट और जितने भी एग्ज़ाम वन डे या सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं उसके रिलेवेंट ये टॉपिक है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। सो डिस्कस कर लेते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास फिर सिर्स पर। ओके, क्या है इसको देख लेते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में फिर परचम लहराया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे, चौथे पर IIT दिल्ली और पांचवें स्थान पर IIT कानपुर। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU 9वें और काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU 10वें स्थान पर है। पिछले साल की रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पर था, दिल्ली तीसरे और कानपुर छठे स्थान पर थे। ओके, NIRF की इंडिया रैंकिंग इस बार कुल 11 कैटेगरी में जारी की गई है। पहली बार इसमें रिसर्च की एक नई कैटेगरी शामिल की गई है। इसमें IISc बेंगलुरु पहले, IIT मद्रास दूसरे, बॉम्बे तीसरे, दिल्ली चौथे और कानपुर पांचवें स्थान पर रहा है। ओके, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों की यह रैंकिंग जारी की है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग क्षेत्रीय रैंकिंग जारी करने पर भी विचार करने को कहा है। ओके, सो फार्मेसी में जामिया और मेडिकल में एम्स शीर्ष पर रहे हैं। इसको देख लेते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। मैनेजमेंट में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, IIT दिल्ली। ओके, फार्मेसी में जामिया हमदर्द दिल्ली, पंजाब विश्वविद्यालय, बिट्स पिलानी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मद्रास। लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कर्नाटक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज ऑफ तेलंगाना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस बंगाल, IIT खड़गपुर। मेडिकल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट PGI चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। सो गाइज, ये रहा डाटा। आई होप कि आपको अच्छा लगा और इसको प्लीज़ कहीं एक चार्ट बना लेना फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसको देख लेते हैं। विश्वविद्यालय कैटेगरी में JNU को दूसरा स्थान। ओके, विश्वविद्यालय कैटेगरी में IISc बेंगलुरु पहले, JNU दूसरे, BHU तीसरे, कलकत्ता विश्वविद्यालय चौथे, अमृता विश्व विद्यापीठ तमिलनाडु पांचवें पर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉलेजों में मिरांडा हाउस पहले स्थान पर। कॉलेजों की श्रेणी में दिल्ली के मिरांडा हाउस का पहले, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन दूसरे, चेन्नई के लोयोला कॉलेज को तीसरा, कोलकाता में सेंट जेवियर्स कॉलेज को चौथे और हावड़ा के रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर को पांचवें स्थान मिला है।
सो गाइज प्लीज़ एग्ज़ाम के रिलेवेंट ये टॉपिक हैं, आप इसको चार्ट में प्रिपेयर कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।